रवि जी, आज अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है वो शुरू हो चुका है, कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक पानी नहीं मिलता चलेगा। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम पानी दे रहे हैं, हरियाणा वाले पानी दे रहे हैं, हिमाचल दे रहे हैं, तब भी पानी की समस्या क्यों हो रही है? अरे भाई, जो उसमें कम दे रहा है 100 MGD वो तो पूरा करिए ना, उसी के लिए तो बैठे हैं। 100 MGD यानी 28 लाख के करीब लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। हमारे पंजाब के मंत्री ने बोला था तीनों लोग बैठ जाते हैं कि पानी बदमाशी कौन कर रहा है, हिमाचल वाले पानी देने को तैयार है, हरियाणा वाले रोक रहे हैं, तो एक बार बैठ के बात कर लेना मोदी जी सारी। अभी तक ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं सके, तो ये उस हार का बदला दिल्ली वासियों से हमेशा लेते रहते हैं। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को किसी तरह से बदनाम करें। वो दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते हैं, आज पानी के लिए कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद किसी और चीज के लिए करेंगे। मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं आप, लेकिन आपकी पार्टी तो खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुतले दहन कर रही है, आम आदमी पार्टी से मांग कर रही है पानी दे। नमस्कार, मैं चिराग जैन और आप मेरे साथ देख रहे हैं जल को दिल्ली। लगातार देश की राजधानी दिल्ली में जिस तरीके से पानी की समस्याएं बनी हुई है और उसे लेकर के बीजेपी हो या दूसरे विपक्षी दलों को लगातार दिल्ली सरकार पर हमला भर है, ऐसे में आज दिल्ली सरकार ने, हम आपको बता दें, पूर्वी दिल्ली के भोगल क्षेत्र में बहुत बड़ा अनशन जो है वो प्रारंभ किया है। और इस अनशन को प्रारंभ किया है दिल्ली में शिक्षा मंत्री और तमाम मंत्रालयों की जो मंत्री है आतिशी मार्लेना ने। हम आपको बता दें इस समय शाम के 7 बज चुके हैं और मंच पर मौजूद है संजय सिंह, पंजाब के स्वास्थ्य मंत्री और तमाम आम आदमी पार्टी के नेता, विधायक, निगम पार्षद सभी मंच पर मौजूद है। और उनके साथ यहां पर मौजूद है तमाम सैकड़ों कार्यकर्ता जो पानी की मांग को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ जो है वो अपना अनशन कर रहे हैं। जिस तरीके से कल राउज एवेन्यू कोर्ट ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दी, पर आज सुबह होते होते दिल्ली हाई कोर्ट ने उस पर स्टे लगा दिया और उनकी जमानत रुक गई। इस चीज का विरोध भी जो है वो आम आदमी पार्टी द्वारा किया जा रहा है। आज हम इस अनशन में आए हैं और हम झलको दिल्ली के माध्यम से आपको दिखाएंगे कि अनशन क्यों किया जा रहा है और इस पर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, नेताओं का क्या कहना है। क्या नाम है? मेरा नाम सतेंद्र तोमर है और ये अनिश्चितकालीन अनशन माननीय जल मंत्री आतिशी द्वारा किया जा रहा है। ना केवल आतिशी जी, यहाँ हरेक आम आदमी पार्टी का कार्यकर्ता और जितनी भी जनता है, इस दिल्ली की सारी जनता है, उस सभी का ये अनशन है। जो हमारे हक का पानी, दिल्ली के हक का पानी, भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा की, वो हमें हमारे हक के पानी नहीं दे रही है, उसके विरोध में हम यहाँ पर अनशन पे बैठे हैं। तो जब तक हमारे हक का पानी हमें नहीं मिल जाएगा, हम इसी तरीके से अनशन को सुचारू रूप से चालू रखेंगे और बताएंगे, इनको उजागर करेंगे, भारतीय जनता पार्टी के दो मुहे चेहरे को, कि एक तरफ तो ये वोट लेना चाहती है दिल्ली की जनता से और दूसरी तरफ ये दिल्ली की जनता को पानी भी नहीं देना चाहती। तो पूरे देश का यही हाल है, ना केवल दिल्ली का, पूरे देश का यही हाल है कि भारतीय जनता पार्टी सिर्फ देश की जनता को बहलाकर फुसलाकर वोट ग्रहण कर लेती है और फिर उन्हें 5 साल मरने के लिए छोड़ देती है। उसी तरीके का हाल आज दिल्ली का भी है। दिल्ली में 3 बार आम आदमी पार्टी की सरकार रही है, इन्होंने एड़ी चोटी के जोर लगा लिए कि अभी तक ये आम आदमी पार्टी को दिल्ली में हरा नहीं सके, तो ये उस हार का बदला दिल्ली वासियों से हमेशा लेते रहते हैं। लेकिन बीजेपी तो कह रही है हम पानी दे रहे हैं, हरियाणा वाले पानी दे रहे हैं, हिमाचल दे रहे हैं, तब भी पानी की समस्या क्यों हो रही है? पानी छोड़ा जा रहा है, लेकिन जितना पानी जनता के हक का, दिल्ली के हक का मिलना चाहिए, उतना पानी नहीं दिया जा रहा है। 100 MGD पानी दिल्ली की जनता को कम दिया जा रहा है। अगर ये एकदम से दिल्ली की जनता को पानी बिल्कुल ही बंद कर देंगे देना, तो फिर तो यहाँ पे कोहराम मच जाएगा। क्या नाम है सर? देखो सर, मैं आपको बताना चाहूँ, मेरा नाम मिथिलेश कुमार है, कालका जी से हूँ, मैं कांग्रेस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी हैं आप और आज इस अनशन में आप आए हैं? बिल्कुल आया हूँ, क्योंकि जो आतिशी जो कर रही हैं, ये दिल्ली वालों की परेशानी समझ के कोई भी इंसान अनशन जब करता है जब मजबूर होता है। आज हमने, लेकिन आपकी पार्टी तो खुद आम आदमी पार्टी के खिलाफ पुतले दहन कर रही है, आम आदमी पार्टी से मांग कर रही है पानी दे, फिर आप कांग्रेस के साथी होकर के इस अनशन का, आपको याद होगा, आपकी बहुत कम एज है, जब सीलिंग हुई थी तो हमने सीधा दीक्षित की सरकार थी, हमने उसके खिलाफ धरना दिया था। तो आप दोबारा आज अपनी पार्टी के खिलाफ जाकर के आम आदमी पार्टी के साथ आए हैं? अगर हमारी दिल्ली की समस्या है, हम दिल्ली में रहते हैं, अगर हमारी दिल्ली की समस्या है, तब मेरा कर्तव्य है जो सच के साथ चलेगा, जो हमारी विधायिका है सच के साथ चलिए, वो अपने लिए नहीं ले रही है, पूरे दिल्ली वासी के लिए मांग रही पानी। हरियाणा नहीं दे रहा, यूपी नहीं दे रहा है, कोई नहीं दे रहा है, हम उसके खिलाफ जाएंगे, हम इनके साथ थे, हैं और हैं। तो हमारे साथ कुछ कार्यकर्ता भी जो अनशन में थे वो आ रहे हैं। मैम क्या नाम है आप? राबिया किदवाए। राबिया जी, आज
अनिश्चितकालीन सत्याग्रह जो है वो शुरू हो चुका है, कब तक चलेगा? अनिश्चितकालीन है, जब तक पानी नहीं मिलता चलेगा। लेकिन पानी की जो मांग है उसे लेकर तो बीजेपी कह रही है हम उनकी मांग पूरी कर रहे हैं, हरियाणा पानी दे रहा है, एलजी साहब ने भी फाइल पास कर दी। अरे भाई जो उसमें कम दे रहा है 100 MGD वो तो पूरा करिए ना, उसी के लिए तो बैठे हैं, वो दे रहे होते तो हम क्यों बैठते। तो कह रहे बीच में जो है वो कुछ ऐसे दलाल आ गए जो पानी की गलत सप्लाई कर रहे हैं और लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा। अगर ऐसी कोई बात है तो हमारे उसको इन्फॉर्मेशन में लेके आए बीजेपी, उठाए अपना अपनी तरफ से सफाई दें। तो जब हमारा चलता रहेगा जब तक मांग, बिल्कुल, क्योंकि जब हमारी चिट्ठियों की, हमारी रिक्वेस्ट की, हमारे किसी भी निवेदन की कोई जवाब नहीं वो दे रहे हैं, अगर ऐसी बात है तो लेके आए सामने। ठीक है, पानी के अलावा और किन मांगों पर आज ये प्रोटेस्ट किया जा रहा है? फिलहाल तो इस टाइम इतनी गर्मी है, घर घर में पानी की जरूरत है, छोटे छोटे बच्चों के लिए भी पानी चाहिए, हर काम के लिए पानी की जरूरत है, गर्मी में तो और भी ज्यादा पानी की जरूरत होती है, और गर्मी में ही पानी रोक लिया है। फिलहाल तो ये पानी दे दे, और मोदी जी ने तो क्या देना किसी को, जो पहले इतने उन्होंने मोदी जी ने दिखा रखे हैं, हर चीज में इतनी महंगाई परेशानी लोगों के लिए तो है ही थी, अरे पानी की और ज्यादा समस्या खड़ी कर दी लोगों के लिए, और जनता को इस टाइम फिलहाल तो गर्मी इतनी है पानी मिल नहीं रहा। और यही बीजेपी कह रही है, यही जो है कांग्रेस पार्टी भी कह रही है अब कि हम जो है आम आदमी के खिलाफ जो है वो जाएंगे, और पानी की जब तक पूर्ति नहीं होगी हम जो है विरोध करेंगे। तो एक तरफ वो भी विरोध कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप भी कर रहे हैं, राजनीति के इस दौर में लोगों को पानी। हमारे पंजाब के मंत्री ने बोला था तीनों लोग बैठ जाते हैं, मैं उनको बुला लो, पंजाब के हिमाचल के सब लोगों को बुला लो, बैठ के बात कर लेते हैं कि पानी बदमाशी कौन कर रहा है, पानी रोक कौन रहा है। हिमाचल वाले पानी देने को तैयार है, हरियाणा वाले रोक रहे हैं, तो एक बार बैठ के बात कर लेना मोदी जी, सारी पता चल जाएगा। अगर वो चाहते ही नहीं, वो दिल्ली की जनता को परेशान करना चाहते हैं, आज पानी के लिए कर रहे हैं, थोड़े दिन बाद किसी और चीज के लिए करेंगे, फिर थोड़े दिन के बाद किसी और चीज के लिए करेंगे। वो दिल्ली के लोगों को परेशान, क्योंकि दिल्ली के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी ने थोड़ा सा एक चैन से जीने के लिए एक रास्ता दिया था कि अच्छे स्कूल बनाए, शिक्षा पे काम किया, हॉस्पिटल्स पे काम किया, थोड़ा सा बिजली में और पानी में थोड़ी सुविधा दी थी ना, उनको हजम नहीं हो रहा, क्योंकि दिल्ली की जनता बच्चा बच्चे के मुंह पे अरविंद केजरीवाल जी का नाम है, और इसलिए उनके परेशानी हो रही है मोदी जी को। पानी की समस्या खत्म होगी तो वो किसी दूसरी और राजनीति करेंगे, किसी और चीज पे, फिर किसी और चीज पे राजनीति करेंगे। आपके अनिश्चितकालीन जो अनशन है वो चलता रहेगा और पूरी जनता साथ में आएगी। अभी तो हमारे कार्यकर्ता आएंगे, बाद में जनता भी साथ में आएगी। उनका सिर्फ और सिर्फ एक मकसद है, अरविंद केजरीवाल जी आम आदमी पार्टी को किसी तरह से बदनाम करें। जो लोगों के दिलों में अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली के दिलों में राज करता है, दिल्ली के लोगों के, उस को इतना बदनाम किया जाए, दिल्ली के लोगों के दिलों से अरविंद केजरीवाल जी का नाम निकल जाए। और उनका एक सीधा सा सपना है, उनका सिर्फ इस सिर्फ पानी कब तक आएगा दिल्ली में सर? अब देखिए लड़ाई जारी रहेगी हमारी, तो आज आतिश जी ने चैलेंज कर दिया, अनशन पे बैठ गई है, तो कभी तो उसको शर्म आनी चाहिए, आएगी। यानी देखो आज कितना बड़ी बात है, एक शुभ क्रम और आम जनता की लड़ाई लड़ने के लिए आतिश जी बैठी। मोदी जी और बीजेपी वालों को तो शर्म नहीं आई, लेकिन ईश्वर ने तो जरूर कृपा की, आज कम से कम बारिश हुई जो उम्मीद नहीं थी, और हमें उम्मीद यही है। अब मोदी जी तो एक दिन उनको तो सबक मिल ही जाएगा, लेकिन ईश्वर आम आदमी के साथ है, क्यों हमारी नीति और नियत आम आदमी के लिए सब काम करने के लिए नीति साफ है हमारी, तो इसलिए भगवान हमारे साथ है। दिल्ली ने बीजेपी के 7 सांसदों को जिता दिया है, इसलिए जहां एक और दिल्ली सरकार की जिम्मेवारी है अपने लोगों को पानी देने की, उनका देखभाल करने की, वहीं भाजपा के भारतीय जनता पार्टी के 7 MPs की भी जिम्मेवारी है कि वो लोगों की जरूरतों का ख्याल रखें। आज दिल्ली में पानी की किल्लत है, दिल्ली में पानी की जरूरत है, हरियाणा पानी देता है दिल्ली को, क्योंकि ये 1994 का जो एक MOU साइन किया है, जो एक कंप्रोमाइज हुआ था, उसके तहत हरियाणा को दिल्ली को पानी देना है। दिल्ली पानी कितना मांग रहा है? केवल 100 MGD यानी 28 लाख के करीब लोगों की जरूरतों को पूरा करेगा। हरियाणा के पास पानी सरप्लस है, हरियाणा के पास पानी दिल्ली से बहुत ज़्यादा है और उनकी जरूरत से भी बहुत ज़्यादा है, परंतु फिर भी वो राजनीति के चलते पानी की सप्लाई को रोके बैठे हैं। दिल्ली सरकार ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के गुहार लगाई, सुप्रीम कोर्ट ने पानी देने के लिए कहा भी, पर उसके बाद भी टालम टोल करते रहे हैं। आतिश जी ने, दिल्ली सरकार की जल मंत्री हैं, प्रधानमंत्री जी को चिट्ठी लिखी, उनको रिक्वेस्ट किया, दिल्ली के सारे लोग, चाहे वो MLA हों, चाहे मंत्री हों, चाहे संतरी हों, सब लोग बीजेपी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि वो दिल्ली के लोगों की जरूरत देखते हुए हरियाणा सरकार को कहे कि वो दिल्ली में 100 MGD पानी छोड़े, जिससे लोगों को पानी की जरूरत जो कम हो रही है वो पूरी हो सके। पर आज के दिन दिल्ली के 7 MP वो केवल और केवल मटका फोड़ू MP बनकर रह गए हैं।
जगह जगह मटका तो फोड़ रहे हैं, पर उस मटके में पानी कैसे भरा जाए, हरियाणा पानी कैसे दे, उसके लिए कोई बात करने को तैयार नहीं है। ना वो बीजेपी की सरकार को कह रहे हैं, ना वो मोदी जी को कह रहे हैं, ना वो खुद कोशिश कर रहे हैं कि इस बारे में लोगों की मदद करें। कल आपके जो आपके प्रमुख है अरविंद केजरीवाल, उन्हें राउज एवेन्यू ने जो है वो बेल दे दी, जमानत दे दी उन्हें, पर आज दिल्ली हाईकोर्ट ने इस पर जो है स्टे लगा दिया। आप अपना दायित्व तो बताते हुए सर इस पर क्या कहना चाहते हो? देखिए, माननीय राउज एवेन्यू की अदालत ने सारे तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, दोनों पक्षों को अच्छी तरह सुनकर और ये बात जानकर कि अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ ईडी के पास पर्याप्त सबूत नहीं है कि उन्हें आगे जेल में रखा जाए, लिहाजा उनको जमानत दी थी। ईडी ने आज जिस तरीके से हाई कोर्ट में रिप्रेजेंट किया है और ये कहा है कि हमारी बातों को नहीं सुना गया, हम लिखित में जवाब देना चाहते थे, ट्रायल कोर्ट ने बिल्कुल जो वैकेशन जज थी उन्होंने नहीं सुना है, उस बात पर उन्होंने हाई कोर्ट में दरखास्त लगाई और हाई कोर्ट के जजेस ने उसको स्टे किया, उस पर आज सुनवाई पूरी हो गई है। हमें उम्मीद है कि जब भी ऑर्डर पास होगा उन बातों का, और खासकर जो नीचे की जज ने जो ऑर्डर पास किया उसको मद्देनजर रखते हुए, क्योंकि उसमें उन्होंने कुछ भी नहीं पाया, मनी ट्रेल नहीं है, मनी की डिमांड नहीं है, सबसे पहले मनी की डिमांड नहीं है, अरविंद जी ने किसी से पैसा नहीं मांगा, दूसरा कोई एविडेंस नहीं है कि अरविंद जी को किसी ने पैसा दिया, कोई एविडेंस नहीं है कि अरविंद जी ने पैसा लेके गोवा के इलेक्शनों में जैसा ही बता रहे हैं वैसा दिया। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए तो जज ने जमानत दी थी, हाईकोर्ट भी यही करने वाला है, ऐसी हमें उम्मीद है। काका, 2 महीने हो चुके हैं दिल्ली में पानी की समस्या, आम आदमी पार्टी क्यों नहीं सुलटा पा रही? ये तो सियासत हो रही है, ये गलतियां हैं। देखो, दिल्ली की पब्लिक जानती है कौन क्या कर रहा है। 40 साल रहते दिल्ली में हो गए हमें जो है, हालांकि हम बहुत गरीब तबके से आ रहे हैं, लेकिन जो सियासत अब हो रही है ऐसा कभी नहीं हुआ जो है, चाहे बीजेपी सरकार रही, चाहे कांग्रेस की सरकार रही, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार रही। अब इस टाइम जो है दिल्ली की पब्लिक को नाजायज परेशान किया जा रहा है, ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस प्रकार से इस टाइम सियासत चल रही है सबकी जो है, एक दूसरे को बदनाम करने में तुले हुए हैं, एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, एक दूसरे को जो है उंगलियां उठा रहे हैं, ऐसा कभी नहीं हुआ जो है। जितना इस टाइम मतलब जो है आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं, एक दूसरे पे जो उंगली उठा रहे हैं, ये गलत बात है जो है। भोगल में आकर के आतिशी मालेना ने जिस तरीके से आज अनिश्चितकालीन अनशन किया है और ये कहा है कि हमारा ये अनशन जब तक जारी रहेगा, जब तक पानी ना मिल जाए, तो आज हम जो है जलको दिल्ली के माध्यम से अनशन के स्थल पर पहुंचे और यहाँ पर हमने तमाम लोगों से, उनके कार्यकर्ताओं से जाना कि अनशन क्यों किया जा रहा है और उस पर उनकी क्या राय है। तो सभी ने एक ही तुल में कहा कि हमारा अनशन तब तक जारी रहेगा जब तक दिल्ली में पानी ना मिल जाए और केंद्र सरकार जो है हमारी सहायता ना कर दे। मेरे साथ थे मेरे साथी आकाश मेहता, आपके साथ चिराग जैन, जलको दिल्ली, भोगल, दिल्ली।